आप सब, मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त से, और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। छोटू जैसे कि आप जानते हैं कि इंडस छोटू एक बहुत अच्छा और मजेदार शो है। इसमें हम रोज एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, तो आज जो हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है इंटरनेट। छोटू, इंटरनेट के बहुत से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं इसमें, मतलब कि बहुत गलत वेबसाइट भी होती हैं, ठीक वेबसाइट को छोटूज यूज़ करते हैं और ख़ुद ख़राब छोटूज बनते हैं। लेकिन छोटूज गलत वेबसाइट को आप यूज़ ना करें, तो कंपल्सरी नहीं है आप सही अच्छे बच्चे बने, मतलब कि बुरी वेबसाइट ना इस्तेमाल करें। बल्कि देखिए छोटूज इंटरनेट हम अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा काम है उसके लिए यूज़ करें, फालतू वीडियोज़ नहीं देखें, गाने नहीं सुने, फिल्में नहीं देखें। लेकिन कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं जो कि बहुत बुरी वेबसाइट होती हैं, वो छोटू उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। और देखिए छोटू अगर आप उन्हें देखेंगे उनसे क्या आप बुरी बात है, छोटू ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि काम के लिए इंटरनेट खोलना चाहिए। लेकिन ऐसे फालतू में आप इंटरनेट खोलेंगे उसमें गेम्स खेलेंगे फिर तो आप में क्या फ़र्क रह जाएगा, बस दिखाने का नेट होगा, कंप्यूटर है, नेट है, सब कुछ है, काम करते हैं आप कुछ नहीं ना। लेकिन छोटू आप उस पर काम करें ना, तो उसको ऐसे रखे रहने दें कि बस हाँ नेट है, कंप्यूटर है, सब कुछ है, हाँ ये वो ऐसे शेखी मार रहे हैं कि हाँ काम आप कुछ करते नहीं, बुरी बात होती है। इंटरनेट इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे बच्चे बन के रहना चाहिए ताकि हमारे अम्मी अब्बू खुश रहें हमसे। और देखिए छोटू इंटरनेट के नुकसान बहुत सारे होते हैं, मैं गिनवा नहीं सकता, एडवांटेजेस भी कम होते हैं जो कि छोटू कम बार शायद ही कभी एडवांटेज पे गए हों। बल्कि देखें छोटू एडवांटेज ये होता है उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कोई और चीज़ देख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो देख सकते हैं। लेकिन छोटू देखें गलत चीज़ें जो हैं आप उन्हें इंटरनेट पर ना देखें, वो आपके लिए ठीक नहीं होती, आपकी जहनीत ख़राब होती है, और अगर आप वो चीज़ें देखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक नहीं, ख़राब हो जाएंगे, आपका दिमाग उसी में लग जाएगा, आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा। लेकिन छोटू मैं आपको फिर से नसीहत करता हूँ कि ऐसे कभी भी इंटरनेट पे बुरी चीज़ें ना देखें जिससे आपकी जहनत ख़राब हो, आपकी मतलब इंटेलिजेंस में कमी आए और आपको मतलब कि आप गंदे बच्चे बन जाएं, बल्कि इंटरनेट अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इंटरनेट आप इस्तेमाल करेंगे अपने एडवांटेज के लिए, क्या ख़राब हो जाएगा, आपको इज्जत मिलेगी बजाय इसके कि पता लगे हो वो ये देखते हैं इंटरनेट पर, बहुत बुरी बात है, ऐसे गंदा बच्चा है वो, बजाय इसके कि टीचर आपकी इज्जत करें, मतलब कि टीचर आपको अच्छा वाला है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, हाँ ये पढ़ाकू इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, हर काम उस पर करता है और इंटरनेट को ऐसे नहीं लेता बल्कि काम में लाता है इंटरनेट को, अच्छा बच्चा है, ऐसे नहीं करता ये, वजह इसके कि ओ वो तो ठीक बच्चा नहीं है, वो तो इतनी सारी बुरी चीज़ें देते हैं इंटरनेट पर जो कि बिल्कुल छोटू उसके लिए अच्छी नहीं है। और छोटूस एडवांटेजेस बहुत से होते हैं, डिसएडवांटेजेस जो होते हैं मैं गिनवा नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे होते हैं छोटूस। लेकिन आप सिर्फ एडवांटेजेस की तरफ जाइएगा, डिसएडवांटेज की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि अब डिसएडवांटेज की तरफ गए तो आप पीछे जाएंगे, एडवांटेज की तरफ गए तो आप आगे जाएंगे। हमारी बातों पे अमल करें आप, इसीलिए आप फायदे में रहेंगे। तो छोटूस यहाँ पे छोटा सा ब्रेक आ गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपके बाद हमारे साथ एक गेस्ट होंगी, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ईमेल और एसएमएस करते रहिएगा, और यहाँ पे लेते हैं छोटा सा नन्ना सा ब्रेक। वेलकम बैक छोटू, इस ब्रेक से वापस आ चुके और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। छोटू ब्रेक से पहले हमने कहा था कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक अच्छी सी गेस्ट से, हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, तो चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं उनसे कुछ गपशप। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम सलाम। कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। आपका? वानिया खान। वानिया खान, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर। फोर, कौन से स्कूल में? कराची पब्लिक स्कूल। कराची पब्लिक स्कूल, केपीएस। अच्छा, स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं आप? जी। कौन कौन सी एक्टिविटीज? डिबेट कंपटीशन और सर्टिफिकेट्स भी हैं। ओह, सर्टिफिकेट्स भी हैं। एक-एक करके दिखा दीजिए। ये रीडिंग अवार्ड मिला था। कौन सी क्लास में? वन। रीडिंग अवार्ड मिला है इनको। आप फर्स्ट आई थी इसमें रीडिंग अवार्ड में। और ये डिबेट कंपटीशन के अंदर किया था। किसमें? डिबेट कंपटीशन। डिबेट में गुड। फर्स्ट पोजीशन इन डिबेट। गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सारे ट्रॉफीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ग्यारह और एक टूट भी गई थी, 12 एक टूट गई है वो फिलहाल, लेकिन 12 मिली है, 12 आपको, ये एक ये किस लिए मिली थी आपको? ये वाली मुझे मिली थी हाईएस्ट परसेंटेज इन उर्दू। गुड, और सेकंड वाली? सेकंड वाली मिली थी फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, और सेकंड वाली थर्ड? और ये पेप 2 में सुपर किट की थी। अच्छा, और ये नर्सरी में सुपर किट। अच्छा, और वो पेप 1 में सुपर किट की है। ओह गुड, और ये फर्स्ट पोजीशन क्लास 2 की है। गुड, और वो हाईएस्ट परसेंटेज। एक्सीलेंट। अच्छा, ये पीछे वाली? हाईएस्ट परसेंटेज इन इस्लामियात। गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और ये मिली थी हाईएस्ट परसेंटेज ऑल ओवर द स्कूल। गुड, और ये मिली थी हाईएस्ट परसेंटेज, ये भी मिली थी ऑल ओवर द स्कूल। ऑल ओवर स्कूल, वाओ, एक्सीलेंट। और ये मिली थी हाईएस्ट परसेंटेज इन मैथ्स। मैथ्स, वाओ, वाओ, गुड, एक्सीलेंट। हमारी क्लैपिंग होनी चाहिए, इंटेलिजेंट है, इतनी अच्छी है। आप क्या ट्यूशन जाती हैं? नहीं, घर पे खुद पढ़ती हैं? जी। कैसे पढ़ लेती हैं आप? एम बनाते हैं उस पर, फिर जब काम करते हैं तो हर चीज़ हो जाती है, हर चीज़। तो आप रोज का रोज पढ़ती हैं? जी। Good. मतलब क्या आपको जब जिस दिन आज स्कूल में टीचर फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे, पहले साल का फर्स्ट डे, तो आप क्या करेंगे? पहले साल के फर्स्ट डे तो नहीं पढ़ते, फिर सेकंड डे से होती है ना पढ़ाई शुरू। फिर जो मिलता है होमवर्क उसको करती हूँ, फिर बुक रीडिंग जो होती है स्कूल की चैप्टर्स से वो कर लेती हूँ। तो आप याद करती हैं रोज का रोज? जी। जो मिस होमवर्क करवाती हूँ घर पर आके याद करती हूँ? जी। वाओ, एक्सीलेंट, गुड। अच्छा, तो आप स्कूल में मतलब आपकी वैसे इतनी अच्छी परसेंटेज, ये सब देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो स्कूल की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेती हैं, मतलब आपने बताया इसके अलावा? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में? जी। अच्छा, स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट फ्रेंड है? जी। कौन? हानिया। हानिया, हानिया आपको क्यों अच्छी लगती है? उसकी नेचर अच्छी है, वो हर चीज़ शेयरिंग वाली है, बट पोलाइट है। उसके वो भी आपकी तरह अच्छा पढ़ती है? जी। गुड, एक्सीलेंट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा होता है, क्या ये ऐसी बात है, ये सच बात है कि कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा अगर किसी नालायक स्टूडेंट से दोस्ती करेगा तो वो भी नालायक हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है? नहीं, आप भी नहीं करती होंगी क्लास में किसी नालायक? नहीं, मेरी तो हर बच्चे से दोस्ती है। और किसी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात है क्योंकि जो पढ़ने में क्लास में बच्चे अच्छे होते हैं वो और बच्चियों से बात नहीं करते जो नालायक होती है ना। हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, हाँ, तो फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप घूमने जाती हैं? दुबई। दुबई आप गई हैं वहाँ पर घूमने? जी। कैसा लगता है आपको दुबई? अच्छा लगता है। वहाँ की आपको कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती है? ट्विन टावर। जी, ट्विन टावर। ओह, ट्विन टावर, तो आपको क्या उसमें अट्रैक्टिव लगता है इतना? मुझे बहुत खूबसूरत लगता है वो, दुबई के बीचेस वगैरह भी ना बहुत खूबसूरत होते हैं और साफ सुथरा होता है। hmm. Hmm. तो यहाँ के बीचेस अच्छे नहीं हैं? नहीं, यहाँ के बीचेस ठीक नहीं हैं, वैसे नहीं हैं जैसे हमारे मतलब कि हमारे बीचेस वैसे नहीं हैं जैसे कि दुबई के होते हैं। जी। और क्या करें, देखिए पॉल्यूशन फैलाते हैं यहाँ पे, हर कोई कोई मना, आवाम ने ही किया है ये सब, वरना यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। वहाँ पर तो मसनूई कुछ कुछ होते हैं बनाए हुए, मसनूई भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो नेचुरल है, नेचुरल होता है सब कुछ, कोई भी ऐसा मसनूई बनाया हुआ नहीं होता। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश है बिरयानी। बिरयानी? बिरयानी आपको क्यों अच्छी लगती है? मम्मा स्पाइसी बनाती है, मुझे वैसे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है। वो जब बिरयानी पकती तो आप कितनी प्लेट खाती हैं? दो। दो प्लेट? वाओ, बस दो प्लेट। आप कितनी खाते हैं? मैं तो दो ढाई, एक ही बात हुई ना, ढाई ढाई, वो ही थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और।
अच्छा आपको कैसे लगता है जब आपकी कोई पर्सनल चीजें छुए? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है ना जब आपकी कोई पर्सनल चीजें छुए तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप अपने बहन भाई से अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करती? अपनी बहन से करती हूँ। तो जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको कोई पर्सनल चीज भाई ले लेता है, फिर आप क्या करती हैं? पापा को बोल देती हूँ। पापा को बोल देती हैं। अच्छा फेवरेट डिश मैंने पूछ ली आपसे, बर्थडे कब आती है आपकी? 5th अप्रैल। अप्रैल को वो सेलिब्रेट करती हैं आप? जी। कैसे? सब कजन्स को, दोस्तों को बुला के घर में। मज़ा आता होगा ना फिर बहुत। गिफ्ट मिलते हैं? जी। कौन कौन देता है? सब देते हैं। सब देते हैं। सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देता है? सबसे अच्छा गिफ्ट मेरी खाला देती हैं। आखिर बार क्या देना? आखिर बार उन्होंने वॉच दी थी। वॉच? वाओ। तो वॉच आपको अच्छी लगी? ओके गुड। तो आपको वॉच उसमें ऐसा क्या खास था, मतलब कि वो खास लड़कियों के लिए बनी थी या उसमें कोई ऐसी अट्रैक्टिव? फैंसी थी। अच्छा फैंसी वॉच थी। मुझे बहुत फैंसी वॉच पसंद है। मैं वैसे पापा से बोलता हूँ, पापा मुझे फैंसी वॉच चाहिए। मुझे फैंसी वॉच मैंने ईद पर ली थी ना, ये तो पता नहीं क्या दूल्हा को जो देते हैं। नहीं वो तो बहुत ज़्यादा, वो तो अजीब होती, उससे भी फैंसी। अगर आपके पास कोई जिन आ जाए और वो आपसे 3 wishes बोले तो आप क्या मांगेंगी? मुझे लगा तुम पहचान जाओगी। मैंने कहा अगर नो, मैंने कहा तुम बोलोगी अगर आपके पास नहीं, अगर आपके पास एक तब भी नहीं बोलते। अब मैंने कहा तुम कब बोलोगी? बोलो फिर बताए। मेरी पहली विश होगी कि मुझे हर चीज़ में तरक्की हासिल हो, और दूसरी जो मैं चाहूँ वो हो जाए, और तीसरी मुल्क से गुर्बत हट जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की है आपने। जीने से भी अपने मुल्क के लिए कुछ मांगा है। अच्छा अगर आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो मुल्क से गुर्बत हटाऊंगी और मुल्क को साफ सुथरा रखना, सबको बोलूंगी मतलब स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी मुल्क में, मैं रखूंगी कि मुल्क को साफ तो रखना, अदरवाइज फाइन। फिर जाहिर से तो लोग तो रखेंगे, फाइन तो देता नहीं कोई, बस मुल्क को, मुल्क की साफ सुथरी के लिए ज़्यादा होगा प्रेशर। अच्छा, सही। ओ बहुत अच्छे आपने, मतलब कि मुल्क को साफ रखना ये सब करना अच्छी बात है, बहुत गुड। तो मैं आपको बताऊँ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, मतलब आप मुझे बताएं। ब्लैक कलर नहीं होता सर? ब्लैक कलर नहीं होता, मल्टी कलर नहीं होता। मल्टी कलर्स में क्या पसंद है आपको? पर्पल पसंद है आपको? क्यों? पसंद है पसंद है पसंद। चले आप ऐसा करें, हमें कोई पोयम सुना दें। पोयम उर्दू में? हाँ उर्दू में। छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़े कालीन बुने, इनमें फूल और पत्ते हैं जो सचमुच के लगते हैं, घोड़े हाथी शेर भी हैं, ताज़ा फलों के ढेर भी हैं, मस्जिद के मीनार भी हैं, इनमें लिखे शार भी हैं, नन्हे हाथों का है कमाल, किसी को लेकिन नहीं ख्याल, आखिर ये भी बच्चे हैं, अभी उम्र के कच्चे हैं, इनसे इतना काम न लें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। बच्चों वो दिन आएंगे, ये भी पढ़ने जाएंगे, कांधों पर बस्ते होंगे, हरे भरे रस्ते होंगे, तो खेलेंगे शाम ढले, अपनी गली के नीम तले। बहुत अच्छी थी। आपको जोक सुनाना चाहेंगे हमारे छोटों को? जी सुनाए। एक दफा मियाँ बीवी बहस कर रहे होते हैं, तो मुन्ना आता और बोलता है आप दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हैं? तो बीवी बोलती है मुन्ना तुम अपने अब्बू से बात मत करना, मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। तो अब्बू बोलते हैं कि मुन्ना तुम अपनी माँ से बात मत करना, मैं तुम्हें 3 रुपए दूंगा। तो मुन्ना बोलता है जल्दी से 5 रुपए निकालिए, मैं आप दोनों से बात नहीं करता। जल्दी से 5 रुपए निकालिए, बहुत बुरा मुन्ना है ना, अच्छी मुन्ना। अच्छा और कोई आता है? और नहीं आते? कोई गाना जी सुनाए। इंग्लिश सुनाए। फ्रीडम के ऊपर बेस है। गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी रीजन, टेक मी हायर।